वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे वेज मक्खन वाला, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए वेजिटेबल्स को मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया है। ये बहुत ही कम ऑयल में मैंने इन्हें फ्राई किया है। हमें चाहिए गोभी, शिमला मिर्च, मटर, बीन्स, गाजर और हमें थोड़ा पनीर भी चाहिए होगा, वो हम बाद में ऐड करेंगे। मैंने एक पैन में बटर के साथ ऑयल ऐड किया है। बटर के साथ ऑयल ऐड करने से बटर जलता नहीं है। थोड़ा ज़ीरा ऐड किया है। तेज पत्ता ऐड किया है। कश्मीरी रेड चिली ऐड करी है और सिनेमन स्टिक ऐड करी है। थोड़े से लौंग ऐड करेंगे। और थोड़ी छोटी इलायची ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया है। इस मसाले को हमें बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, हमें इसे बाद में मिक्सी में पीसना है। थोड़ा जिंजर ऐड किया है। टमाटर ऐड किए हैं। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। थोड़े से काजू ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं थोड़ी टमाटो प्यूरी भी ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ी लाल मिर्च ऐड करी है और थोड़ा धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ी हल्दी ऐड करी है और थोड़ा नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मसाला बनके रेडी है और अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। ये मसाले को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करके मसाला ऐड किया था। ये हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें ये जो मिक्स वेज थी ये ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स ऑलरेडी फ्राइड हैं तो इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा
थोड़ा फ्रेश क्रीम ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो है। थोड़ा पनीर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारा वेज मक्खन वाला बन के रेडी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।